मैं गुरप्रीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल गुरु में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए मैं जो आज का चैनल पे वीडियो लेके आया हूं, आप लोग जान ही चुके होंगे, मक्के की खेती के बारे में बताने जा रहा हूं। भाइयों पूरा वीडियो देखिएगा, कीट प्रबंधन और रोग प्रबंधन के बारे में और बीज और खेत की तैयारी। किसान भाइयों मक्के की खेती के लिए उपजाऊ गहरी और अच्छे जल निकास वाली जीवांश पदार्थ से भरपूर ज़मीन मुफीद होती है। मक्के की खेती हल्की बलुआ दोमर मिट्टी से भी लेकर मध्यम मटियार दोमर मिट्टी तक में की जाती है भाइयों। और मैं आपको प्रजातियों के बारे में बताऊंगा किसान भाइयों। और मक्के की जो बीज की मात्रा होती है, मक्के की फसल की बुआई के लिए हमेशा प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। मक्के की संकुल किस्मों के लिए 14 से 16 किलोग्राम और संकर किस्मों के लिए भाइयों 18 से 20 किलोग्राम और दाने की जो हम दाने की फसल के लिए यूज़ करते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति बीज हेक्टर की दर से इस्तेमाल करनी चाहिए भाइयों। और बुआई का समय जो है खरीफ की फसल की बुआई मध्य से जून तक जुलाई दी जानी चाहिए, जून से जुलाई तक कर देनी चाहिए जो खरीफ की है भाइयों। और रबी की फसल है जो बुआई सितंबर के अंत से मध्यम नवंबर तक किसी भी समय की जा सकती है। और फसल की बुआई 16 सेंटीमीटर दूरी बनी कतारों में 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर की जाती है किसान भाइयों। और बीज उपचार जरूर करें रोगों से बचाव के लिए। हमारे जो किसान भाई हैं बीज उपचार को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन ज़रूर करना चाहिए। बीजों को थीरम या कर्बेंडाजाइम जो आती है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए भाइयों। और जो होता है ना प्रहोर बेधक कीट के रोग प्रकोप से बचने के लिए आपको बता दूँ 5 मिलीलीटर जो आती इमिंडा क्लोरोपिट्स प्रति किलोग्राम बीज दर से उपचारित करना चाहिए। अब बुआई की विधि भाइयों, किसान मक्के की बुआई बिखेर कर सकते हैं, जो बिखेर कर करते हैं इससे कम उपज मिलती है भाइयों। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बुआई लाइनों में ही करनी चाहिए किसान भाइयों। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे की जो दूरी है किसान भाइयों 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और इस तरह से हमारे जो एक हेक्टर की रकबे होते हैं ना, रकबे में 66,000 से 83,000 पौधों की संख्या प्राप्त हो जाती है। और मेढ़ों पर जो बुआई करते हैं, जो मेढ़ों पर भाई सिंचाई की ज़रूरत को 20 से 30 फीसदी कम किया जा सकता है किसान भाइयों। हाँ, और जो ये अपनी है ना विधि मेढ़ों की, ये 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए दूरी। और उर्वरक की मात्रा बता दूं भाइयों आपको, बहुत ज़रूरी है। उर्वरक का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। वैसे तो आमतौर मक्के के लिए 10 टन गोबर की सड़ी खाद हो जाए, 120 किलोग्राम नाइट्रोजन यूज करें और 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक जरूरी चाहिए। ये प्रति हेक्टर की दर से मैंने बताया आपको। और सड़ी हुई गोबर की खाद को बुआई से 10 से 15 दिन पहले खेत में डालकर मिट्टी मिला देना चाहिए भाइयों। और फास्फोरस पोटास व जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुआई के समय कूड़ों में इस्तेमाल कर देनी चाहिए। और नाइट्रोजन जो हमारा है ना किसान भाइयों, ये 5 भागों में निम्न अनुसार करने से अधिक उपज हासिल होती है 5 भागों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। 10% बुआई के समय दे दें, 20% जब पौधे 4 पत्तियाँ के हो जाएँ और 30% जब हमारे पौधे 8 पत्तियाँ की हो जाएँ। ये मैं नाइट्रोजन की बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद में 30% नरमंजरी निकलते समय और 10% जो हमारी नाइट्रोजन बचती है 10% दानों के भरने की अवस्था में देनी चाहिए किसान भाई। अगर निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण नहीं भी होता है तो आपका करते हैं 5 से 6 हफ्ते तक, और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो रासायनिक विधि से भी मक्के में जो खरपतवार है उसकी आप रोकथाम कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, टेक्निकल बहुत ही अच्छे हैं ये टेक्निकल, मैं यूज कर चुका हूँ ऑलरेडी किसान भाइयों। ये टेफाजिन 2.5 किलोग्राम, सीमेजिन 2.5 किलोग्राम, मेट्रोबुजिन 1.2 किलोग्राम, एट्राजिन 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से 1000 लीटर पानी के साथ घोल कर बुआई के फौरन बाद छिड़काव करना चाहिए, जिससे हमारे खरपतवार बिल्कुल नहीं होंगे। छिड़काव के समय ज़मीन में नमी जरूर हो भाइयों, जिससे रसायनों की ताकत बढ़ जाती है। वैसे ये रसायन पानी में कम घुलनशील होते हैं, इनकी पानी के साथ बहकर बेकार होने की उम्मीद कम होती है, पर इनके इस्तेमाल के बाद खेत में निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए किसान भाइयों, इतना ज़रूर ध्यान रहे। और सिंचाई की बात आती है तो मक्के की बढ़िया उपज के लिए दूसरी फसलों के मुकाबले ज़्यादा पानी लगता है। मक्के के बढ़वार के 25 से 30 दिनों तक मादा फूल आते हैं, भुट्टे बनने की दशा में किसी भी हाल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए भाइयों। खरीफ मौसम में बारिश की स्थिति में जरूर 2 से 3 सिंचाई किसान भाई करना चाहिए।
यदि 6 बार सिंचाई की सुविधा है तो 5-4 पत्ती अवस्था में, जब 4 से 5 पत्ती अवस्था हो तो पौधों को घुटनों तक आने से पहले व तुरंत बाद नरमंजरी निकलते समय और दाना भरते समय और दाना सख्त होते समय किसान भाइयों सिंचाई फायदेमंद रहती है मक्के की, और मक्के में जल भराव स्थिति न रहे जल भराव की। किसान भाइयों जो कटाई है किसान भाइयों मक्के की भिन्न प्रजातियों की फसल बुआई 80 से 115 दिन तक पककर तैयार हो जाती है, और साधारण मक्के की जो फसल है ना किसान भाइयों 40 से 50 दिन बाद पक जाती है, लिहाजा इसके बाद फसल के सूखने का इंतजार न करें, कटाई कर लेनी चाहिए किसान भाइयों। और जो भुट्टे के लिए फसल की कटाई बुआई से 75 से 90 दिन बाद की जाती है, इस अवस्था में पौधों में 30 से 35 फीसदी की आसपास नमी होनी चाहिए। किसान भाइयों बात करते हैं उपज की, मक्के की फसल की औसतन उपज 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टर होती है, और जो खरीफ की मक्के की मुकाबले रबी जो है ना रबी की फसल मक्के से ज़्यादा उपज मिलती है रबी से, क्योंकि खरीफ के मुकाबले रबी के खेत की तैयारी अच्छी मिल जाती है किसान भाइयों। और जो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों इसमें जो मक्के में होते हैं ना रोग उसके बारे में बता दूं, रोकथाम के लिए एक होता है बीज व पौध सड़न, इस रोग से बीज उगता हुआ पौधा गल जाता है जिससे जमाव कम होता है और पौधों की संख्या कम हो जाती है। किसान भाई इसको रोकने के लिए ना बुआई के समय बीजों को 4 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ वीडियो में पहले भी। और पत्तियों का झुलसना रोग जो होता है ना किसान भाइयों भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं पत्तियों पे और निचले हिस्से में धब्बे अधिक होते हैं, इसको रोकथाम के लिए 20 दिन बाद तक हर हफ्ते करें छिड़काव, जिनेब दवा का नाम जिनेब नोट कर लीजिए। और किसान भाइयों पत्तियों का हरापन ख़त्म होना, पत्तियों का धारियां पड़ना, प्रभावित भाग रुई जैसे रेसे दिखाई पड़ना, इसको कहते हैं रोमिल फफूंदी होती है किसान भाइयों। ये डाइथेम 45 जो है ना घोल बनाकर 10 से 15 दिन अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। एक होती है डाउनी मिडिल, ये पत्तियों पर धारियां पड़ना, अधिक हरापन ख़त्म होना, प्रभावित भाग पर रुई जैसे रेसे बन जाते हैं, इसको रोकने के लिए किसान भाइयों ये आप एक होती है ना किसान और रंजीत गंगा 2 और गंगा 101 उगाएं, ये रोग रोधी किस्में हैं किसान भाइयों। और सामान्य रतुआ, इस बीमारी का प्रकोप रबी की फसल होती है ना किसान भाइयों इसके कारण प्रण उत्तरक चक्कर में होते हैं और संक्रमण होता है, इसको रोकने के लिए किसान भाइयों मैंकोजेब जब पहली बार दिखाई दे मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर में 200 लीटर पानी की प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों ये तो मैंने बताई आपको रोग के बारे में, और किसान भाइयों इसमें जो लगते हैं ना मक्के में खास कीड़े वो उनकी रोकथाम, एक होता है तना छेदक, पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाना पौधों में घुसकर अगले भाग को नष्ट कर देते हैं किसान भाइयों। इसके लिए आप कार्बोफ्यूराम 3G का जो आता है ना 33 किलोग्राम प्रति हेक्टर से खेत में मिलाएं किसान भाइयों, बुआई के समय पहले मिला देना चाहिए हाँ। और इसका नहीं तो ये साइपरमेथ्रिन आती है जो 10 cc की, ये प्रति लीटर पानी की दर से कीटनाशकों 800-1000 लीटर पानी में घोल बनाकर डाल दें एक हेक्टर के लिए, साइप्रोमेथ्रिन तनाछेदक। और एक होता है करतन कीट होता है किसान भाई, इस सूंडी को ना जमीन में चने के पौधे के पास मिलती है, ये जमीन की सतह को पौधे से शाखाओं को 30 से 35 फसल को काटती है, 30 से 35 दिनों की फसल को में काटती है किसान भाई। इसकी रोकथाम के लिए आप क्लोरोफारीफास 20 cc 1 लीटर प्रति हेक्टर या नीम का तेल 3% की दर से छिड़काव करें किसान भाइयों। एक होता है किसान भाइयों हार्ली कोर्फा आर्मी जेरा, ये होता है कीड़ा किसान भाइयों, तो ये आपको 500 से 1000 तक अंडे देती हैं मादा जीवन काल में, कम से कम 3 से 10 दिनों के अंदर फूट जाते हैं और इन सब चमकीले हरे रंग की सूंडियाँ निकलती हैं जो मक्के के भट्टे के मुलायम सिल्क दानों को खाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों इमिंडा क्लोरोफिड 7.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर के दर से छिड़काव करें, या आप ये ले लीजिए साइपनासेड 45